कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रैखिक प्रोग्रामर। प्रश्न 4 निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर से 3x + 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x + 3y बड़ा है बराबर 3, x + y बड़ा है बराबर 2, x > 0, y > 0। तो आइए हम में से सब जानते हैं, चूंकि x > 0 y > 0 इसका जो हल है, इसका हल कौन से प्रथम चतुर्थांश में, इसका हल प्रथम चतुर्थांश में है, इसके लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ही का समीका, पहली असमीका को अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास है असमीका x + 3y बड़ा है बराबर 3 के लिए संगत हम पहले समीका बनाते, के लिए संगत समीका क्या करना है, बड़ा है बराबर की जगह केवल बराबर का चिन्ह लगा देना, x + 3y बराबरी से 3, ये संगत समीका बन गई। x के विभिन्न मान रखेंगे तो y के विभिन्न मान आपको मिलेंगे। यदि हम इसमें x और y के मान को ज्ञात करना चाहे तो ध्यान से देखिए, जब हम इसमें x का मान रखेंगे 0 तो y का मान मिलेगा 1, क्यों, क्योंकि 0 3y = 3 इसलिए y = 3/3। जब इसमें हम x का मान रखेंगे 3 दाहिनी तरफ जाके 3 से 3 घट जाएगा, 3y = 0 मतलब y = 0। और हम देखेंगे यदि हम इसमें यदि किसमें असमीका में x = 0 और y = 0 रखने पर क्या होगा, धन 0 > 3 कथन कैसा हो जाता, असत्य है। अतः संगत समीका से कौन सा मूल बिंदु के विपरीत ओर का हिस्सा, मूल बिंदु के किस ओर का, विपरीत ओर का हिस्सा, इसे संतुष्ट करता है। इसी प्रकार दूसरी असमीका हम ले रहे हैं, अब इस असमीका x + y = 2 के लिए संगत समीका, के लिए क्या संगत समीका क्या होगी, वो होगी x + y = 2। अब x के विभिन्न मान को रखते जाएंगे तो y के मान मिलेंगे, x का मान मान लो 0 रखते तो y = 2 मिलेगा, और x का मान 2 लिखेंगे तो y का मान 0 मिलेगा। अब इसमें भी यदि हम यदि असमीका में x = 0 y = 0 रखेंगे
तो हम पाएंगे शून्य बड़ा है बराबर दो, ये भी कथन कैसा है, असत्य। इसलिए इसका हल किस ओर का हिस्सा होगा, मूल बिंदु से विपरीत ओर का हिस्सा। मूल बिंदु से विपरीत ओर को यह भी असमिका क्या करती है, संतुष्ट करती है। इसका सीधा सा अर्थ है, जब हम इन असमिकाओं के हल देखेंगे तो हमारे पास में ये जो असमिका का हल होगा ये लाइन से निचली ओर का नहीं बल्कि लाइन से ऊपरी ओर के हिस्से को संतुष्ट करेगी। तो कहने का मतलब है ये ऊपरी ओर की लाइन है। क्योंकि ये लाइन से ऊपरी ओर लेकिन ये लाइन से नीचे, तो हम इस लाइन के भी ऊपरी ओर का हिस्सा लेते, क्योंकि इस लाइन से भी निचली ओर का हिस्सा इस असमिका को संतुष्ट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम चतुर्थांश में ये जो लाइनें आ रही है, यानी कि कौन सी, ये हम कह सकते हैं कि ये वाय अक्ष से जो लाइन आई है, फिर उसके बाद ये रेखा जिसको हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं, ये रेखा यहां से यह रेखा और यहां से यह रेखा, इस ओर का ही हिस्सा इन असमिकाओं को क्या करेगा, संतुष्ट करता है। तो अब देखें इनके जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो कौन कौन से हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्र का के बिंदु, इसके उभयनिष्ठ क्षेत्र के निर्देशांक यदि हम देखें तो वह बिंदु है ए बी और सी। ए बिंदु है जिसके निर्देशांक हम जानते हैं क्या है, 3 0। दूसरा बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3/2, 1/2 तथा तीसरा बिंदु सी है जिसके निर्देशांक क्या है, 0 2 है। अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ बिंदु लिख रहे हैं और उनका मान लिखेंगे। ये हमने बिंदु लिखा, यहाँ उसके निर्देशांक लिखेंगे कि क्या है, और यहाँ पर जेड बराबरी से 3x-5y का मान लिखेंगे। यदि देखें तो पहला बिंदु A जिसके निर्देशांक थे 3 0, जेड बराबरी से 3 × 3 = 5 × 0, 3 × 3 = 9, 5 × 0 = 0, तो जेड का मान आता है कितना, 9। जेड का मान हमको कितना मिल गया, 9 मिल गया। पुनः कौन से बिंदु, बी बिंदु, बी बिंदु के निर्देशांक है 3/2, 1/2, जेड बराबरी से 3 × 1/2 = 5 × 1/2, मान हमको मिला 3 × 3/2, 3 × 3/2, तो 3 × 3 = 9/2, 5/2 = 14/2, 14 × 2 देंगे तो यह आएगा 7। सी बिंदु के निर्देशांक को ध्यान से देखें तो सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में है क्या, 0 2, जेड बराबरी से 3 × 0 = 5 × 2, 2×6 = 10। अब इन
मानों को ध्यान से देखें तो हमारे पास न्यूनतम मान है 7। तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबरी से 3/2, वाई बराबरी से 1/2 और न्यूनतम मान जेड का जो मिलता है जेड बराबरी से 7। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।